प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दो विधायकों का भी प्रमोशन हो गया है और अब वे सांसद बन गए। इनमें से एक है झुंझुनू के मंडावा से विधायक नरेंद्र कुमार, जो अब झुंझुनू के सांसद बन गए। इसके अलावा इसके साथ ही मंडावा विधानसभा में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस उपचुनाव में सांसद नरेंद्र कुमार के पुत्र अतुल खिचड़ का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, जिसे लेकर सांसद नरेंद्र कुमार ने स्पष्ट तो नहीं कहा, लेकिन इशारा जरूर किया है कि अतुल की दावेदारी भी बनती है। बीती रात को झुंझुनू के मुकुंद सेवा सदन में भाजपा जिला कोषाध्यक्ष कमल अग्रवाल के संयोजन तथा भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मांडिया की अध्यक्षता में सांसद नरेंद्र कुमार का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें एक सवाल के जवाब में नरेंद्र कुमार ने कहा कि उनका पुत्र अतुल पार्टी में नया नहीं है, वह लंबे समय से संगठन के लिए काम कर रहा है। यह कहकर नरेंद्र कुमार ने इशारा कर दिया कि अतुल की दावेदारी मंडावा में होने वाले उपचुनाव में बनती है। बहरहाल, साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अभी 6 माह लगेंगे, पार्टी जिसे टिकट देगी उसे जिताना ही सभी की जिम्मेदारी होगी। इस मौके पर नरेंद्र कुमार ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के संदेश को भी कार्यकर्ताओं के बीच बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए नियमित रेल सेवा शुरू करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आज तो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष जी और इनकी टीम ने और यहाँ के झुंझुनू के लोगों ने स्वागत किया है। इसमें खाने का प्रोग्राम भी रखा है और सांसद बनने पर पहला स्वागत किया गया। इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी को और इनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। आज जीत का आभार भी प्रकट किया, इन्होंने बड़ा अच्छा सहयोग दिया चुनाव में और अच्छी जीत दिलाई और नरेंद्र जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उसके लिए भी हमने खुशी के रूप में ये प्रोग्राम रखा। तो सब पूरे देश ने भाषण सुना है, ईमानदारी से काम करो, गरीबों ने, गरीबों की सरकार है, गरीबों ने बनाई है, पूरे गरीबों की मदद करो, उनके जो अंतिम छोर पर जो बसा हुआ है उसकी पूरी मदद करो, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता सभी लग करके पूरे देश की मदद करो। आज तक जितना बहुमत नहीं मिला, पहली बार इतना बहुमत मिला है, इसलिए हमें और सचेत होकर के अच्छा काम करना देश के लिए और भारत को नया भारत बनाना है, यही मोदी जी ने संदेश दिया। झुंझुनू जिले की बाकी तो सरकार के हिसाब से प्रोसीजर है, जो वहाँ से देंगे वो मिलेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता तो रेलवे का है कि रेल को रोजाना चलाई जाए और उसको आगे से आगे विस्तार से बढ़ाया जाए। मीठे पानी का भी है यहाँ, शिक्षित जिला है तो शिक्षा की दृष्टि से जैसे खेल स्टेडियम है, स्पोर्ट्स स्कूल है, इस तरह का शिक्षा, चिकित्सा, सड़कों का, इस तरह का पूरा ही काम किया जाएगा। और ये कह सकता हूँ जितने भी हम सांसद जीत करके गए हैं उनमें से झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा काम करेंगे। 3 लाख का मोदी जी का भी है, पिछली हमारी 5 साल सरकार रही उसका भी है, उसका इसलिए है कि 5-7 महीने में कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने जो कुछ किया उस पूरे सरकार थी उसे तुलना की तो कई गुना पहले वाली सरकार हमारी वसुंधरा राजे का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, वो भी रहा। यहाँ युवाओं का भी सहयोग रहा, मोदी ने जैसे कहा था महिलाओं का भी पूरा सहयोग रहा। इस तरह का अब इसकी बार जो चुनाव था वो एक अलग तरीके से चुनाव था, केवल मोदी जी का ही मुद्दा रहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और इतनी उत्सुकता थी प्रत्येक वोटर्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान भी करें और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, और सभी का, सभी 36 जातियों का सभी सहयोग रहा। फिर दूसरा कैंडिडेट पर भी निर्भर रहा, कांग्रेस के कैंडिडेट है जो 25 साल तक उन्होंने काम किया, मैंने 15 साल तक काम किया, उन्होंने कहा कि काम किया उस हिसाब से उनको वोट दे दिया, मैंने अच्छा काम किया तो मुझे अच्छे वोट दे दी। बेटा तो खैर है ही पार्टी में, उसमें कहना क्या, वो तो शिक्षा का, शिक्षा की जो हमारे वो जो पार्टी का है उसमें अध्यक्ष पहले से है झुंझुनू जिले का। और ये तो कांग्रेस की तो अफवाहें चलती रहती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई किसी के लिए कह देता है, ये तो अफवाहें वो चलती रहेंगी। अभी तो 6 महीने पड़े हैं, 6 महीने में सरकार जिसको अधिगत करेगी, जिसको टिकट देगी उसी को जिताएंगे,